After visiting one of the most beautiful waterfalls in India, the Wei Sangdong Falls, which is a three-layer waterfall, we started for our next destination, which is the most rated and most visited waterfall in Meghalaya, that is the Elephant Falls. Guide map to some tourist spots in and around Sohra. और यहाँ पे इस मैप को आप जूम करके देख सकते हैं. यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो दिया हुआ है वो सियांग व्यू पॉइंट, जहाँ पे अभी हम हैं, वहाँ काबा फॉल्स और इको पार्क भी है, और हम लोग जहाँ पे गए थे वो लोकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है. पर हम लोग गए थे कहाँ पे, थ्री टेयर वाटरफॉल पे, सांगडोंग. इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिशनल खासी ड्रेस में फ़ोटो खिंचाना है तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेडिशनल खासी ड्रेस में आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं. अभी हम लोग ज़िप लाइनिंग करने जाएंगे, और ज़िप लाइनिंग के लिए यहाँ से वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा. ये है पूरी छोले, ये है वेज मोमोस. कितना सारा मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हाँ, और ये बनाया हुआ रहता है. आजकल बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जो मोमोस मिलते हैं वो रेडीमेड आता है, उसको बस गर्म करके देते हैं, अंदर का स्टफिंग वगैरह सब मिर्चीली है, बहुत पुराना रहता है. लेकिन यहाँ पे ये फ्रेश स्टफिंग्स के साथ बना हुआ मोमोज रहता है ना, इसीलिए यहाँ पे मोमोज खाना चाहिए. टेस्ट भी बहुत बढ़िया है ना. हम लोग जो इतना सारा ऑर्डर करते हो, इससे बहुत अच्छा है टेस्ट भी. स्टफिंग पूरा प्रॉपर स्टफिंग भी है इसमें. वैसे रोटी हाँ गरम गरम बना के दिया है, जैसे इतना ट्राई करो. हाँ मोमो अच्छा है, वेज मोमो गरम गरम वेज मोमो बहुत अच्छा है. जितना मैंने ऑर्डर करके खिलाया था ना, हम सबसे बेटर है. सॉस मिलेगा. इस कहानी से आपको ये सीख मिलता है कि आइडियली जहाँ पे जो बेस्ट फूड होता है वहाँ पे वो खाना चाहिए. अब हम पहुँच गए हैं एलिफेंट फॉल्स. एलिफेंट फॉल्स में एक एंट्रेंस फी है, और इसीलिए शायद से इतना अच्छा मेंटेन है. ये है बुरहान्स का फूल. ये उत्तराखंड में बहुत मिलता है, और इसका जूस हेल्दी भी होता है. Originally, the Khasi people named this falls Ka Shaid Lai Pateng Kwaushio, three steps waterfalls, because probably there are three steps. When the Britishers came and found the waterfall, then they renamed it as Elephant Falls, because on the left side of the fall there was a rock resembling an elephant, but this rock was destroyed by the earthquake of 1897. वही अर्थक्वेक है जिसके वजह से असम में भी चांडुबी लेक बना था. लेफ्ट साइड में ट्रेडिशनल अटायर्स ट्राई कर सकते हैं अगर ट्राई करना है तो. बहुत ही सुंदर सा पानी का आवाज़ आ रहा है. 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया. फर्स्ट फॉल दिखा देती हूँ मैं पहले, फर्स्ट में फर्स्ट फॉल. ये हो गया फर्स्ट फॉल हमारा. वैसे भी फर्स्ट फॉल के पानी में तो जा नहीं सकते हैं, और वो रॉक भी डिस्ट्रॉयड है जहाँ पहले थर्ड में चले.
this waterfalls, this is the most reviewed waterfall in Meghalaya. और यहाँ पे एक छोटा सा केव जैसा भी बना है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ. सो वे सांगडोंग भी आप लोगों ने देखा और एलिफेंट फॉल्स भी आप लोगों ने देखा. तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वाटरफॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मस्ट विजिट लगा. थोड़ा सा आगे तक जाके देखती हूँ. यहाँ पे ये डस्टबिन रखने के लिए जगह जगह पे रखा हुआ है. यहाँ पे डस्टबिन रख सकते हैं. आई डोंट इवन नो इफ माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट बिकॉज ऑफ द साउंड्स ऑफ द वाटरफॉल. Do not climb on the rock, else there is a 500 रुपये का जुर्माना. दो स्टेज बराबर नहीं है. It was a part of Mughal architecture as well. चलो चलो. Mettilang Amusement Park, opposite Elephant Falls. Bathing and swimming is strictly prohibited. मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फाइनली पूछ लिया कि ये रेड फूल उत्तराखंड का बुरहान सी है क्या. तो मैंने भैया से पूछा कि ये फूल खाते हैं या फिर जूस पीते हैं. खाता है. खाते हैं ना. ये वही फूल है जिसको उत्तराखंड में बुरहान्स बोलते हैं. हम लोग कैसे आते उठन बोलते हैं. तेचुंग तेउथुन 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 बोलते हैं. चलो थैंक यू भैया. आप यहाँ पे काम करते हैं. हाँ क्या नाम है आपका. वांटे. वांटे. चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. इसाई में भी है. दिस वुड हैव प्रोबेबली मेड अ प्लेस फॉर नो बोटिंग आई गेस. बहन काफी बार देख चुकी है एलिफेंट फॉल्स. वो गई नहीं इसलिए. हाँ बिल्कुल. थैंक यू. इज नोन एज खुबले शिबुन. खुबले शिबुन हैंड वॉशिंग स्टेशन मीन्स देख लो है. तो चलो लेट्स गो. चलो थक गई. चलो मार्केट है थोड़ा सा. ऑन आर वे बैक वी सॉ फॉरेस्ट फायर्स. सच साइट्स आर क्वाइट नॉर्मल इन द रीजन. दीज आर इन अ वे बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स एंड द नेटिव स्पीसीज स्पेशली. देखो इस शॉप में कितना भीड़ है देख रहे हो. तो हमने इस पूरे ट्रिप के लिए कैब बुक किया था और ड्राइवर ने हमसे कहा था कि आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको ऐसे ही लेके जाऊंगा. ये मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमने रीअश्योर किया कि हमें इस जगह में जाना है, क्या इतना ही फेयर आप लेंगे, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बढ़ेगा तो नहीं. उसने हमें रीअश्योर किया कि बिल्कुल इतना ही लगेगा.
रिटर्न होने के बाद हमने उसे 500 रुपये एक्स्ट्रा हमारी तरफ से दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने हमसे 1000 रुपये और लिए, मतलब कि कैब से हमें जितना पड़ता उससे 1500 रुपये उसने हमसे ज़्यादा लिया। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। चला, बाय बाय।